इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम धर्म को फॉलो कर रहे हो। और जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा उसकी जिंदगी में अशांति, दुख, तनाव, पीड़ा, इसके सिवा कुछ होगा ही नहीं। ये तो स्पष्ट है। धर्म का जो काम है, और मैं सोचता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी उपनिषदों पर इतना क्यों दबाव डालते थे। बृहदारण्यक उपनिषद कितनी बात, बड़ी बात कहता असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की तरफ ले चल। यह धर्म का काम है, असत्य से असत्य। सांस टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, बाप मां बहन बेटी बच्चे छूट जाएंगे, ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे और छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन देंगे। असतो मा सद्गमय, जो असत्य का जीवन सब जी रहे हैं उससे सत्य की तरफ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से रोशनी की तरफ। जो भी इंद्रियों पे जी रहा है, सेंसेस पे, उसको जीवन का पता ही नहीं। नहीं तो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हम सब राजा बनना चाहते हैं, इन्होंने राजशाही छोड़ दी। और बन गए बुद्ध, यानी प्रज्ञावान। असत्य, जिनके पास पैसा नहीं है वो बहुत दुखी है कि यार हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो पैसे वालों के दोस्त हैं ये पैसे के चक्कर में हैं। किसी भी स्तर पे जो शक्तिशाली है उसके संबंध बहुत है, दोस्त बहुत है, रिश्ते बहुत है, नाते बहुत है, आपको दिखाई नहीं पड़ता। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास परमात्मा होने की सारी संभावना है। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं, आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, आपसे कोई मिलने ही नहीं आएगा। यह काम है धर्म का, इसलिए हर व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। और एक बात, आज के इस युग में जब सब शिक्षित हैं, बहुसंख्यक लोग शिक्षित हैं, विद्या प्राप्त कर चुके हैं, तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि चीजों को खुद पढ़ें। खुद पढ़ें, खुद उस पर विचार करें, प्रश्न करें। संतों के पास सिर्फ इसलिए ना जाएं कि साहब बाबा जी हमारी शादी नहीं हो रही है, लो बाबा जी ये इनके मेरे आरू भाग्य बाबा जी, अब उसमें बाबा जी बेचारे क्या करें। ये सब काम संतों का नहीं है, है ही नहीं, उनका ये सब काम है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि सब लोग धर्म के रास्ते पर चले, कोई भी धर्म, कोई भी, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी, लेकिन चले जरूर। और थोड़ा सा शुरुआत जब करेंगे आप, जब आप शुरुआत करेंगे तो ये ऐसा फेस होगा आपका, ऐसा चढ़ाई का फेस होगा, ये थोड़ा सा पेनफुल फेस होता है पहला फेस। किसी भी चीज में जब आप एंटर करते हैं तो उसका जो पहला चरण है
वो कष्ट का चरण है। पहला ये शुरुआत, जहां से बिगनिंग आप करेंगे ये थोड़ा कष्ट होगा, फिर जब आप यहां पहुंच जाएंगे कष्ट आनंद में बदल जाएगा। ये जो 4 AM पर उठना कष्ट है, ये यहां पहुंचकर आनंद बन जाएगा। और ध्यान की सारी प्रक्रिया यही है कि जिन जिन चीजों को तुम कष्ट मानते हो उसको वो आनंद बना दे। 4 बजे सुबह उठना आनंद बना दे, पढ़ना आनंद बना दे, खेलना आनंद बना दे, अब तो बच्चे खेलने भी नहीं जाते, प्रार्थना करना आनंद बना दे। ध्यान का यही काम है। और एक बार ये चीजें आनंद बन गईं, फिर तो स्काई इज द लिमिट। इस रास्ते पे चलना भी बहुत खतरनाक और कठिन भी है, बहुत गाली पड़ती है, बहुत बुराई करते हैं, अरे तुम्हारे महात्मा जी ऐसे हैं तो उनसे ऐसे काहे नहीं कर दिए, कोरोना काहे नहीं रुकवा दिए, इतने बड़े ताकतवर तुम्हारे महात्मा जी हैं तो कोरोना काहे नहीं रुकवा दिए। रुकवाएंगे तुम्हारा कोरोना, आओ बताते हैं कैसे रुकवाएंगे।